सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के लगभग 8 बज रही है के अभी 8 बज रही है और आज का मौसम काफ़ी सुहावना है। हल्की हल्की धूप खिली हुई है और सामने वाली पहाड़ियों पर आजकल हमेशा धुंध छाई हुई है। और आज ना मैं सुबह से कर रही हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट और भाई तो तैयार हो रहा है, नाश्ता वगैरह तो कर लिया है भाई ने और कल से ना हमारे घर में काम भी शुरू हो गया है। 2-3 लेबर लगी हुई है हमारे घर में काम करने पे और यहाँ छत में ना टीन वगैरह भी यहाँ पे रख दी है क्योंकि यहाँ पे हमारा ना पहले किचन था ना, तो वहाँ का किचन तोड़ दिया है और जो टीन वगैरह थी वो यहाँ छत में रख दी है। मतलब जहाँ पे हम लकड़ियाँ वगैरह रखते थे और भैंस के लिए दाना पानी वगैरह बनाते थे वो हमने तोड़ दिया है और वहाँ पे ढेर सारी मिट्टी थी क्योंकि बरसात के टाइम ना हमारे जो कमरे हैं ना तो वहाँ पानी आता है और हमने सोचा क्यों ना इस बार हम घर में काम लगाएं और वहाँ पे ना एक कमरे की जगह खाली हुई है। तो पहले ना जो वैसे हमारा घर जो बना है वो पहाड़ पर बना हुआ है और घर के पीछे ही पहाड़ है और वहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं, तो जो पत्थर है ना तो उनको एक साइड करेंगे, मतलब पोस्ता देंगे, मतलब पगा लगाएंगे। तो भैया जी भी अभी काम पे आ गए हैं और अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है और जो मिट्टी है ना वो बह के बरामदे में आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बरसात के टाइम। वैसे ही बरसात के टाइम हमारे बरामदे में ना पानी आ जाता है तो हमने सोचा क्यों ना इस बार घर में काम लगाया जाए। और जो छेंदिया वगैरह लाए थे ना तो हमने कुछ यहाँ पर रख दिए है और मम्मी ने ना रोटी भी बना दी है तो हमने यहाँ बाहर पे बनाई और पहाड़ी गीजर भी चूल्हे में रख दिया है तो यहाँ बाहर पे हमने आग जला रखी थी तो मम्मी ने रोटी वगैरह भी बना दी है और बाकी ऊपर भैया जी लगे हुए हैं काम करने पे। और यहाँ पीछे ना इतनी मिट्टी निकली और ये मिट्टी ना हम मतलब ये भैया लोग दूसरी साइड डालेंगे, मतलब फेंक देंगे इस मिट्टी को। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो नाश्ता तो बना दिया मैंने, रोहित तो स्कूल चले गया है नाश्ता करके और लगे हैं घर पर काम पर, पानी भी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, बड़ी परेशानी का सी, बर्तन भी वैसे हैं और काम कर रही हूँ वहाँ दुनिया भर की यो 100 गोड़ा बना रखा था वो मिट्टी बह गई यहाँ आ रही है। वहाँ पे तो एक कमरे की जगह भी है और एक कमरे की थली बना रही है हम वहाँ पर, तो पहले दीवार लगाएंगे, ये पत्थर उधर हटाएंगे पीछे लगाएंगे और एक थली बना के रखी है, दूसरा साल क्या होता था। हाँ, और कल से ना हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो कल सुबह से ही बर्तन धोने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं और अभी देखिए पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है और कल से ना पानी आ ही नहीं रहा है और गाय भैंस भी प्यासी हैं हमारी। तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद अभी लेबरों के लिए चाय भी बना दी है तो हमारे घर में ना 3 लोग लगे हुए हैं काम करने पर तो मम्मी अब उनको चाय देगी, है ना मम्मी? नाश्ता करके वो आते हैं और की दिहाड़ी देते हैं, उनकी चाय पिलाते हैं अपने घर में, मतलब दिन भर वो काम कर, मतलब हमें खाने बनाने की जरूरत नहीं है उनके लिए। इधर ही गांव में उनका कमरा, उधर गांव में, तो वो अपने आप बनाते हैं अपने हाथ से और दिन में हम चाय देते हैं 2-3 बार और पैसे दिहाड़ी है बहुत ज़्यादा यहाँ तो दिहाड़ी देते हैं। तो मम्मी अब चाय ले जाएगी भैया लोगों को। तो चलिए जी, नाश्ता वगैरह भी मैंने कर दिया है और अभी तैयारी हो गई है गांव की साइड जाने की क्योंकि हमारे गांव में ना पानी नहीं आ रहा है, मतलब हमारे घर में नहीं आ रहा है, गांव की साइड आ रहा है पानी। तो चलते हैं और देखते हैं कहां गया बल पानी, बीच से ही उधर की साइड आ रहा है और हमारे घर की साइड नहीं आ रहा है। अभी मैं पहुँच गई हूँ यहाँ धारे में तो देखते हैं यहाँ धारे में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए भाई, यहाँ धारे में भी पानी नहीं आ रहा है। तो चलिए जी, अभी यहाँ धारे में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है तो यहाँ पर बाल्टी वगैरह भर लेते हैं। तो अभी मैं ना यहाँ पर गाय को पीना पिला रही हूँ और इसको देखिए प्यास लग गई है कल से, क्योंकि कल से तीनों ने पानी ही नहीं पिया है, थोड़ा बहुत पी है एक एक बाल्टी। तो अभी मैंने उधर धारे पर लगा रखी है पानी की बाल्टी, अभी ना थोड़ा बहुत पानी आ रहा था लेकिन अब देखिए पानी ही नहीं आ रहा है, लगता है अब जाना ही पड़ेगा ऊपर की साइड देखने। वैसे ना हमारी भैंस कभी भी सुबह सुबह पानी नहीं पीती थी लेकिन आज देखिए इनको इतनी प्यास लग गई है, तो थोड़ा सा पानी भरा था मैंने तो यहाँ पे रख दिया है और ये देखिए पीने लग गई है। तो चलिए जी, अभी चलते हैं घास के लिए और मैंने ना थमाली भी ले ली है और रस्सी भी ले ली है और मैं जा रही हूँ अकेले ही घास के लिए। बाकी यहाँ रास्ते में धूप भी लग गई है और टाइम 9:30 भी हो गया है और मैं अकेले ही जा रही हूँ और मम्मी नहीं आ रही है क्योंकि घर में काम वगैरह लगा हुआ है। तो घर में ना उन भैया लोगों के लिए चाय भी देना है और
बर्तन वगैरह भी हैं, पानी भी भरना है, गाय भैंसों को पानी भी पिलाना है। अगर पानी आएगा तो मम्मी गाय भैंसों को पानी पिलाएगी, तो मैं अकेले ही जाऊंगी जंगल। तो दोस्तों फाइनली ना अपने घर से काफ़ी दूर आ गई हूँ, और तो देखती हूँ कहाँ जाती हूँ। इधर की साइड है हमारे घास की चारी और उधर की साइड है बन, तो वहाँ भी हमारा ही है और खेत में भी ढेर सारे बांज के पेड़ हैं, और इधर साइड है घास की चारी। तो मैं कंफ्यूजन हो रही हूँ कि कहाँ जाऊँ, घास की चारी पर जाऊँ कि उधर साइड जाऊँ। तो डिसाइड करती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। और आजकल देखिए सामने वाली पहाड़ियाँ बिल्कुल बुरी बुरी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो घास था ना वो पूरी तरह से सूख गया है। अभी देखिए लोगों की घास की चारी पे ना घास काटने के लिए ऐसे ही रह रखा है, और जो चट्टान है ना वो काफ़ी फिसलन वाले हो रखे हैं, क्योंकि उनमें ना पैर ज़्यादातर फिसलते हैं। तो इसलिए आजकल उधर की साइड कोई नहीं जाता है, जो भी जाते हैं आजकल जंगल जाते हैं बांझ के लिए। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ उधर की साइड बन पे, तो चलिए जी अब चलते हैं, और अकेले ही जा रही हूँ, और रास्ता देखिए बिल्कुल सुनसान सा है। तो ये देखिए भाई, ये बिछ रखी हैं हमारे गांव की पाइप लाइनें, तो यहाँ कहीं भी पाइप नहीं टूटे हुए हैं, लगता है शायद उधर की साइड हो रखे होंगे। समस्या हो गई भाई पानी की, चलो हमारे यहाँ तो पीने के लिए पानी है लेकिन गाय भैंसों को क्या दें, लगता है अब नदी से लाना पड़ेगा पानी। तो फिलहाल मैं अभी घास काटने के लिए चलती हूँ उधर की साइड, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। ये रही पानी की टंकी, और यहाँ टंकी में देखिए पानी है, आधा टंकी पानी ही है, पता नहीं हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है पानी। और यहाँ ऊपर की साइड ना रिंगाल की घनी झाड़ियाँ हैं, और आजकल ना भालू की ज़्यादा डर रहती है, क्योंकि आजकल वो लेकवाल खाने के लिए भी आते हैं, वो भी बांझ पर रहते हैं लेकवाल। तो जहाँ मैंने ना बांझ काटना है मैं वहाँ भी पहुँच गई हूँ, और इधर की साइड देखिए पूरा घना जंगल है, पता ही नहीं चला कि रास्ता कहाँ है, और रास्ता ये रहा। तो उधर की साइड का रास्ते का कोई पता नहीं चल रहा है, और उधर की साइड रिंगाल की घनी झाड़ियाँ हैं और बांझ के पेड़ हैं। तो यहाँ है हमारे ढेर सारे बांझ के पेड़, ये देखिए ये हमारा वन है, तो मुझे काटना है बांझ। तो ये रहा बांझ का पेड़, तो इस पर बांझ काटूंगी इस वाले पेड़ से। तो चलिए जी अब पेड़ पे चढ़ते हैं, तो मुझे जाना है इस वाले बांझ के पेड़ पे। तो ये रहा बांझ का पेड़, तो ये काफ़ी आड़ी हो रखा है और ये काटने भी ज़रूरी होते हैं, तो अब पेड़ पे चढ़ते हैं। तो चलिए जी मैंने इस वाले बांझ के पेड़ से बांझ भी काट दिया है, अब फटाफट से इस बांझ की जो टहनियाँ हैं इनको छोटा छोटा करूँगी, और जो लकड़ियाँ होती हैं कच्ची वो इधर की साइड रखूँगी। तो दोस्तों मैंने ना बांझ को इकट्ठा करके यहाँ पे भारी भी लगा दी है, तो चलिए जी अब चलते हैं घर, और आसमान में पूरी तरह से काले बादल भी छा गए हैं, और यहाँ जंगल में कोई नहीं आ रखा है, मैं ही आ रखी हूँ, तो चलिए जी अब चलते हैं। तो फाइन
फाइनली मैं ना जंगल से घर भी आ गई हूँ, और जो घास मैं लाई हूँ ना तो मैंने यहाँ पे रख दिया है एक साइड। बाकी यहाँ बाहर गौशाला की साफ सफाई वगैरह भी कर दी है, देखिए गौशाला साफ कर दी है। और अभी ना पानी भी आ गया है तो पानी भी वहाँ पे भर के रख दिया है, और तीनों को मैंने पानी भी पिला दिया है। और मम्मी ने ना गाय को बाहर निकाल रखा था, लेकिन हमारी काली ने ना इसको मार मार के इस पर देखिए चोट भी लग रखी है, इधर की साइड देखिए यहाँ पे भी लग रखी है चोट, तो हमारी काली ने इसको मारा। तो अभी मैंने अंदर बांध दिया है। और कई लोगों का कमेंट था कि आप अपनी गाय को बाहर क्यों नहीं निकालती हो, क्योंकि ये भैंस जो है ना मारती है, और उस भैंस को भी मारा है, तो उस भैंस पर भी देखिए काफ़ी सारी चोटें लगी हुई हैं। ये देखिए इस भैंस को भी इतनी सारी चोटें लगी हुई हैं, इसने इतना मारा इस भैंस को भी। तो दोस्तों गौशाला का काम भी कर दिया है, तो अभी चलते हैं घर, और थकान भी लग गई है आज काफ़ी ज़्यादा। सुबह में जो गोबर साफ किया था ना मैंने अंदर का, गौशाला के अंदर का, तो वो मैं ले भी गई हूँ, और गौशाला की बाहर की सफाई भी की, क्योंकि गौशाला में ना वो उठाने रह रखे थे, जो बांझ की जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी उठाने के लिए रह रखे थे, तो वो भी मैंने उठा के एक साइड किए। फिर बाहर का गोबर भी साफ किया, उसको भी ले गई, फिर पानी वगैरह पिलाया, और बर्तन वगैरह भी मैंने भर दिए हैं। तो चलिए जी अभी मैं चलती हूँ घर। बाबरे आज तो काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है मुझे तो। तो मम्मी ने यहाँ बाहर पे आग जला रखी है, और चूल्हे में रख रखा है भड्डू, और इस पे मम्मी ने रख रखी है दाल, और बाकी भैया लोग अभी काम पे लगे हुए हैं। और मम्मी ने ना यहाँ बाहर पे भड्डू पे दाल रख रही थी, और अभी देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की सी, और काफ़ी तेज़ बारिश लग रही है। अच्छा हुआ मैं टाइम पे घर पहुँच गई। और अभी ना मेरी मम्मी यहाँ से दे रही है भैंसों के लिए सूखा घास, तो इस स्वेल्टी पे ले जाऊंगी मैं। और यहाँ बाहर पे रखा हुआ है हमारा सूखा घास, जो कि आजकल ही दिया जाता है, थोड़ा हरा घास और थोड़ा सूखा घास। तो अब मैं यहाँ से दो पूली लेके जाऊंगी। तो दोस्तों अब चलते हैं सूखा घास लेके गौशाला। सुबह में हरा घास डाला था, उसके बाद मम्मी गौशाला नहीं आई, मम्मी ने घर में बर्तन वगैरह धुले, सफाई वगैरह की, पोछा वगैरह लगाए, फिर भैया इनों को चाय वगैरह दी, फिर मम्मी ने मतलब लंच बनाया, भात तो बना दिया है लेकिन अभी दाल हो रही है फ्राई। तो चलिए जी अब भैंसों के पास सूखा घास डालूंगी। तो मैंने अंदर गाय के पास हो गया, और यहाँ बाहर काली के पास और दूसरी वाली भैंस के पास सूखा घास भी डाल दिया है। तो चलिए जी अब चलते हैं घर। और अभी देखिए बारीक बारीक बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और तरसाली के ऊपर कोहरा भी लग चुका है। तो यहाँ पे ना आज भैया लोगों ने ये वाली पगा लगा रखी है, तो यहाँ पीछे हमने दीवार देनी है, और ये देखिए कुछ यहाँ ऊपर की साइड है, तो जो ये पत्थर हैं तो इनकी यहाँ इधर की साइड काफ़ी ऊँची दीवार देंगे, और यहाँ से ना इतनी मिट्टी निकली, तो अब भैया जी ना कल इस मिट्टी को डालेंगे। और यहाँ पीछे ना एक कमरे की जगह छूट रखी थी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पीछे दीवार लगाई जाए इस साल, मतलब अच्छी सी थल्ली बनाई जाए, क्योंकि ये मिट्टी बह के ना पूरे हमारे बरामदे में आ रही है, कुछ इधर की साइड नाली में। तो चलिए जी मम्मी ने लंच भी बना दिया है, अब गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं, और भूख भी काफ़ी तेज लग गई है। तो चलिए जी अब गर्मा गर्म लंच कर लेते हैं, और मम्मी ने मुझे भी थाली पर लंच परोस दिया है, इसमें है भात हो गया और दाल, और साथ में है अचार भी। तो अब गर्मा गर्म लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों चलिए जी लंच वगैरह भी हो गया है, और भैया लोग भी लंच करने के लिए जा रखे हैं उधर की साइड जहाँ उनका कमरा है। तो अब मैं ना किताब पढ़ लेती हूँ। तो चलिए जी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।